पति पत्नी दोनों हैं विकलांग, नहीं है कोई रोजगार, आर्थिक सहायता राशि की कलेक्टर से लगाई गुहार। खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी के नवाब साहब रोड पर रहने वाले युवक ने आज कलेक्टर से जन सुनवाई में शिकायत करते हुए बताया कि हम दोनों विकलांग हैं और आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं है। जानकारी के अनुसार शिशुपाल रजक पुत्र जगदीश रजक निवासी नवाब साहब रोड ने कलेक्टर को जन सुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि उसकी पत्नी कृष्णा रजक दोनों विकलांग है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, परिवार का भरण पोषण करने में भी समस्या आ रही है, दो छोटी छोटी पुत्री हैं और कोई रोजगार भी नहीं मिल रहा है। कलेक्टर से आर्थिक सहायता राशि की युवक ने गुहार लगाई है जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। शिवपुरी से संवाददाता मोनू रामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? शिशुपाल। कहाँ से आए हो? नवासो रोड अजंता थाना। क्या शिकायत लेके आए हो? हमारी मजदूरी नहीं लग रही, 5-6 महीना से हम दोनों में अभी भी भुगतान है, हमारे लिए कुछ सहारा मिल रहा है। किस चीज़ की मजदूरी करते हो आप? तसला उठाते हैं। अच्छा, कौन कौन? मैं अकेला उठाता हूँ, दो बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा, तो क्या किस प्रकार की क्या सहायता चाहिए आपको? 8 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, कोई वैकेंसी हो तो वैकेंसी में फॉर्म डालता था, लेकिन बड़े लोग पैसे देकर वो पास हो जाता। क्या चाहते हो आप? वैकेंसी में कुछ जगह मिल रहा है चपरासी की, हम आपके लिए आया घर से भी आते हम दोनों के।